सुमेर नगर गांव में सभी गांव वाले एक दूसरे से कंपटीशन किया करते थे और वो गांव पहाड़ों के पीछे था, इसलिए ज़्यादा विकसित नहीं था। वहां के लोग अपना गुजर बसर करने के लिए शहर जाया करते थे और अपना अपना पालन पोषण किया करते थे। उस गांव का चंदू किसान भी वहां से अपना खेती छोड़ के शहर में नारियल पानी बेचने का काम शुरू कर देता है, क्योंकि खेत में ज़्यादा अन्न भी नहीं होती थी और उनका अच्छे से खाना भी नहीं हो पाता था। चंदू अपने गांव से नारियल लेके शहर की ओर आया करता था, पर रास्ते की जो जंगल थी वो बहुत डरावनी थी। एक दिन चंदू के दुकान पे बहुत ज़्यादा ग्राहक आ गए, इसलिए उसे लेट हो गया आने में। शाम को उसे आते आते अंधेरा होने लगा। चंदू घबरा गया था और वो रास्ते की ओर आ रहा था दबे पांव से। जंगल में वो जैसे ही घुसता उसका डर और भी बढ़ जाता। चंदू भगवान का नाम लिए रहता और सोचता, हे भगवान, आज मेरी जान बचा लो, मेरी छोटी बच्ची है घर पे, उसको कौन खिलाएगा। तभी रास्ते में उसे एक रोती हुई औरत मिलती और कहती, बेटा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, रास्ता बता देता तो बड़ी मेहरबानी होती। उस पर दया खा के और चंदू सोचता कि चलो इस जंगल में कोई तो मुझे दिखा, ये अम्मा के साथ ही मैं निकल जाऊँगा। तभी वो औरत एक चुड़ैल का रूप ले लेती और अपने जादुई छड़ी से चंदू पर वार करती, ये कहते हुए कि बहुत दिनों से मुझे कोई शिकार नहीं मिला है। उसके वार से वो वहीं पर गायब और ढेर हो जाता। देखते ही देखते वो दूसरी दुनिया में चला जाता। इधर गांव में सब लोग परेशान हो जाते और कहते हैं कि हम लोग आपस में लड़ते रहते हैं एक दूसरे से आगे बढ़ने के फिराक में, हमारे गांव के लोग धीरे धीरे करके कम होते जा रहे हैं, हमें एकता के साथ इस पर बात करनी चाहिए और इस समस्या का हल निकालना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा दिन दूर नहीं है कि ये गांव भी वीराना हो जाएगा। सारे गांव वाले बात कर रहे थे। इधर चंदू की बेटी रोते हुए अपनी माँ को सूचना देती है। उसकी माँ खुद का जान देने का बात करती और कहती, मेरा पति इतना मेहनत करके पैसा लाया करता था और मैं ऐसे पैसे को उड़ाती थी जैसे कि हमारे यहाँ बैंक है। इतना कहते हुए वो रोने लगती और अपनी बच्ची से कहती, बेटा मैं मर जाऊँगी तेरे पापा के बिना। उसकी बच्ची कहती, माँ तू परेशान मत हो, और जल्दीबाजी में रोते हुए घर से बिना कुछ बोले निकल जाती। इसकी माँ भी ध्यान नहीं देती क्योंकि वो अपने पति के गुजर जाने के गम में बैठी हुई थी। उधर चुलबुली उधर उस ओर जा रही थी जिस ओर उसके पापा गए थे। शहर की ओर वो ये पता लगाने जा रही थी कि मेरे पापा को आखिर किसने मारा, और उसने ध्यान नहीं दिया, दिमाग उसका काम नहीं कर रहा था, इसलिए वो उसी जंगल में आ रुकती है। तभी उसके सामने किसी की आने की आहट सुनाई देती। वो चुड़ैल को देख के घबराती, फिर मन ही मन सोचती कि घबराने से कुछ नहीं होगा, मुझे अपना जान बचाना होगा ताकि मैं अपने पापा के हत्यारे का पता लगा सकूं। चुड़ैल लाख बात करते रह जाती पर चुलबुली कोई जवाब नहीं देती। ये देख के चुड़ैल को शक हो जाता कि यह है कौन। चुड़ैल अपनी दो सर वाली चिड़िया से बात करती, इतने में चुलबुली वहाँ से बच निकलती और एक भागते भागते ऐसी दुनिया में जा रुकती जहाँ उसके गांव के जितने लोग मरे थे सब लोग एक साथ खड़े थे। सबको एक साथ देख के चुलबुली हैरान हो जाती और कहती कि हमारे गांव में आप लोगों की खोज पड़ी हुई है और आप लोग यहाँ आराम से रुके हुए हो। सारे गांव वाले उसकी ओर देखते हैं आँखों में आंसू लेके। तभी चुलबुली को पीछे से एक बहुत ही खतरनाक और खूंखार आदमी दिखाई देता। उसे देख के चुलबुली घबरा जाती। वो आदमी कहता, बच्ची मुझे देख के मत घबराओ, मैं तुम्हारा मदद करना चाहता हूँ और तुम्हारे गांव वाले के पास और पापा के पास बस कुछ दिन का ही टाइम है, फिर उनका शरीर भी मेरी तरह हो जाएगा। मेरा भी मजबूरी है ये शरीर लेके घूमना, ये ऐसी पिशाचनी है जो कि ना मारती है और ना ही जीने देती है, हमारा ऐसा शरीर बना के छोड़ देती कि हम लोग फिर इंसानों के दुनिया में वापस ही नहीं जा सकते, हमारा अपना परिवार हमें पहचानने से मना कर देगा और बच्चे डरने लगेंगे। तुम्हें क्या करना है कि उस चुड़ैल की जो ऊपर पेड़ के ऊपर जो चिड़िया रहती है उसे बस ज़मीन पे लेके आना है, और ये काम तुम्हें सुबह होने से पहले करना होगा, इसमें मैं तुम्हारी मदद करूँगा।
चुलबुली बिना घबराए तुरंत तैयार हो जाती। कहती, हाँ अंकल मैं तैयार हूँ, क्योंकि वैसे भी मुझे अब मरना ही है। अगर इधर से मैं जाऊँ तो वो चुड़ैल मुझे मार देगी, और मैं नहीं कुछ की तो मेरे पापा और गाँव वाले भी मर जाएंगे। वो आदमी कहता, चलो मैं तुम्हारा रूप लेके चलूँगा और उस चुड़ैल के आगे जाके उसको उलझाने की कोशिश करूँगा। तुम चिड़िया को बस बातों ही बातों में नीचे बुला लेना। वो चुड़ैल किसी को भी उस चिड़िया से बात नहीं करने देती, और दिन में वो चिड़िया दिखाई नहीं देती, इसलिए उस चुड़ैल का जान उस चिड़िया में ही बसता है। अगर वो ज़मीन पर आ जाए तो वो खुद जल के राख हो जाएगी। इतना सब कुछ समझाने के बाद वो आदमी चुलबुली को अपने साथ उसी जंगल की ओर चलने को कहता जहाँ वो पिशाचिनी इंतज़ार किया करती थी। इधर वो चुलबुली का रूप लेके उसे बुलाने लगता, आ चुड़ैल आ मुझे खा ले, तूने मुझे कल नहीं खाया ना, मैं खुद आ गई। ये सब देख के पिशाचिनी हैरान हो जाती और कहती कि तू बहुत ईमानदार लड़की है, तेरे जैसे तो मैंने बेवकूफ़ ही नहीं देखा था कि तू खुद अपना जान देने आ गई। इधर चुपके पैर जात के चुलबुली पीछे से उस चिड़िया को इशारा करके ज़मीन पर पूरी तरह से बुलाने का कोशिश करती। चुलबुली के आंखों में आंसू देख वो चिड़िया नीचे की ओर आने लगती। इतने में उस चुड़ैल का शक्तियाँ काम कर देती है, काम करना बंद हो जाने के बाद वो बेचैन हो जाती और पलट के देखती तो उसकी चिड़िया नीचे की ओर आ रही थी। और ज़मीन पर जैसे ही चिड़िया आती वैसे ही चुड़ैल धोखा धोखा करते वहीं ज़मीन पर गिर जाती, और देखते ही देखते उसका शरीर नष्ट होने लगता और वो गायब हो जाती। सारे गांव वालों को लेकर चुलबुली अपने गांव में आती और अपनी माँ को ये खुशखबरी देती कि माँ मेरे पापा बच गए, माँ और मेरे साथ साथ पूरे गांव वाले बच गए। ये सारी घटना के बारे में वो अपनी माँ से बताती। ये सुन के चुलबुली की माँ बहुत ही खुश हो जाती और अपनी बेटी पर फख्र महसूस करती कि उसकी बेटी बहुत बहादुर है। सारे गांव वाले भी चुलबुली की वाहवाही करते हैं और अब से एक दूसरे के साथ कसम खाते हैं कि वो लोग मिलजुल के रहेंगे, एक दूसरे से कभी भी कंपटीशन नहीं करेंगे। मिलजुल के रहने पे ये होगा फ़ायदा कि सारे गांव वाले पे अगर कोई भी दिक्कत आन पड़ती है तो वो लोग हल निकाल लेंगे, और आपस में कंपटीशन करते रहें तो आगे बढ़ने के चक्कर में एक दूसरे के जान पे खतरा भी आ जाए तो मदद नहीं करेंगे, उल्टा खुशी होंगे। इससे कोई फ़ायदा नहीं, कुछ दिनों की ही ज़िंदगी है हमारी। इतना कह सारे गांव वाले आंखों में आंसू भर लेते हैं और चुलबुली जैसी बहादुर लड़की की बधाई देते हैं कि तुमने आज बहुत बड़ा काम कर लिया। सारे गांव में वापस रौनक ला दी और उनकी आंख भी खुल जाती। चुलबुली सारे गांव वालों के साथ खुशी खुशी रहने लगती और उनकी लाडली बन जाती। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक।